दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों हर बार की तरह आज जो हम घर देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार लोकेशन पे है। अगर मैं इसके लोकेशन की बात पहले कर लूँ तो हमारी सीधी एक्सेस रहेगी पटियाला हाईवे से और सेकंड जो रहेगी चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से। जी हाँ, तो आपको दोनों तरफ से एक्सेस रहेगी। एक अच्छा एरिया है, आसपास सारी रेजिडेंस पूरा कम्प्लीट है और जो हमारे आज का घर है वो आपका रहेगा 1500 स्क्वायर फीट के अंदर। और दोस्तों स्टेट में आपके सारी पार्किंग रहेगी। आपके पार्किंग की स्पेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमारे पास यार डबल पार्किंग की स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। कवर्ड पार्किंग वैसे हमारे पास एक रहेगी यहाँ पर, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छी है तो इजीली आपकी जो दो गाड़ियाँ हैं वो भी आराम से यहाँ पर लग जाएंगी। एक अच्छी प्रॉपर सोसाइटी है जहाँ पर आपको गार्डन मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको क्लब हाउस एक बनने वाला है। गेटेड सोसाइटी रहेगी, सिक्योरिटी आपकी पूरी प्रॉपर रहेगी, ग्रीन एरिया आपको अच्छा मिल जाता है बिल्कुल साथ में। हमारे पास एक अपना 7 एकड़ का पार्क है जो कि गवर्नमेंट का पार्क है। सो मतलब कि हमारे आसपास जो ओपन एरिया रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेश एयर और फ्रेश लाइट वो आपके पास सारी उम्र यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि कोई और बड़ी बिल्डिंग जो है आसपास आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों आपके सामने हमारे अपार्टमेंट आज के, जहाँ पर स्टेट में आपकी पार्किंग रहेगी, काफ़ी अच्छी पार्किंग आप देख सकते हो। आपके सामने एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इसके आगे भी आपके पास इतनी ही स्पेस और है। तो मतलब कि आप कितनी सी स्पेस के अंदर आप इजीली 4 गाड़ियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों बता दूँ S+3 है, इसमें आपको लिफ्ट पूरी मिलती है। और दोस्तों जैसे इसके फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लिफ्ट एरिया है वो बड़े अच्छे तरीके से कवर किया गया है। पूरा वुडन पैटर्न है, क्लैडिंग के साथ आपको ऊपर से नीचे तक पूरा कवर किया गया है। लाइट्स बहुत अच्छी लगाई हैं। अगर मैं इसको रात का व्यू लूँ तो यार बड़ी ही शानदार सी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। स्टेज वाली साइड पे पूरा आपका जो है आयरन वर्क आपका किया गया है, इसमें आपके ग्लासेस लग जाएंगे ताकि जो लुक है फ्रंट की वो बहुत ही शानदार हो। और वैसे जो हमारे अपार्टमेंट है उसके जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी आयरन रेलिंग रहेगी जिसके साथ टफन ग्लास आपको मिलता है और बड़े यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको पूरा अपार्टमेंट मिलता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, जब हम अपार्टमेंट को अंदर से देखते हैं तो समझ आता है कि यार 1550 स्क्वायर फीट के अंदर क्या स्पेस निकाली गई है। स्टोर हमें यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, कॉमन वॉशरूम भी हमें यहाँ मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। दोस्तों ठीक सामने आपके जो स्टोर्स आपको मिल जाते हैं और ये आपका सारा पार्किंग एरिया। दोस्तों काम अभी चल रहा है, वैसे फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। और ठीक मेरे इस तरफ आपको जो लिफ्ट एरिया आ जाएगा जहाँ पर लिफ्ट अभी इंस्टॉल होने वाली ही है। और इस तरफ आपकी ग्रेनाइट की स्टेयर्स रहेंगी साथ में आयरन। जी हाँ, तो जो चीज़ यहाँ पर बन रही है वो आपकी सालों साल के लिए बन रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही देर के लिए है, कुछ दिनों के लिए है। एक चीज़ आपको मिल जाती है सालों साल के लिए। तो घर के सामने जो आपकी रोड्स रहेंगी वो 40-40 फीट की रहेंगी, तो आपका कभी भी ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे हम अपने कॉरिडोर में आते हैं तो हमारे पास एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट रहेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। या फैमिली आपकी मूव हो चुकी है और ये वाला घर जो हम अभी देखने वाले हैं बिल्कुल ठीक सामने आपके जो आपके लिफ्ट वो आपको लेकर आएगी। दोस्तों एंट्रेंस पे बता दूँ आपके पास एक शाही सी मेन एंट्रेंस है जो कि आपकी पूरी पॉलिश की गई है टीक वुड के साथ। उसके साथ जितने भी आपका जो चौगाट रहेगी वो सारी साल की रहेगी। तो साल का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो चीज़ मिल रही है हमें वो लाइफ लॉन्ग है। एक अच्छी वुड है, रेशे बहुत अच्छे होते हैं, कभी ख़राब नहीं होती। और जैसे हम अपना मेन एंट्रेंस डोर ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है एक शाही सा शानदार सा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, 24 फीट की लेंथ रहेगी और 12 फीट की विड्थ रहेगी। तो 24x12 का मतलब ये हो जाता है कि यार क्या बात है यार, काफ़ी खुला डुला, जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए यहाँ पर। यार वैसे यहाँ पर जो हमने भी 7 सीटर यहाँ पर लगाया हुआ है
तो 7 की जगह अगर आप कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और 7 के बाद हमारे पास जो स्पेस यहाँ पर मिलती है वो बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। और दोस्तों बता दूँ, जो सीलिंग पर आपको डिज़ाइन मिल रहा है लैंप्स के साथ, वो एज इट इज़ हमें मिलेगा। बस आपके ये झूमर हट जाएंगे, सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। और बड़ा अच्छा डिज़ाइन आपका किया गया है, एक फैंसी चीज़ है, समझ आती है कि एक अच्छे से खर्चा किया गया है। और क्योंकि यार एक बार का खर्चा होता तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ठीक है, आपके ड्राइंग के साथ आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। देखिए 6 सीटर यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, और इवन उसके बाद हमारे पास जो स्पेस है वो यहाँ पर बहुत अच्छी आ जाती है। ये मूवमेंट के लिए हमारे पास पूरी स्पेस है, कहीं पे आपको फंसने की रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। और डिज़ाइन इतना अच्छा है कि आपके बेडरूम से इतने बड़े बड़े निकल आते हैं यार। देखिए यूजली जो हमारे घर में जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, वो नॉर्मल सा होता है, तो ये बिल्कुल अलग लगाया। उसके बाद भी हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पीछे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर रख दी है, चीज़ माफी चाहूँगा, आपके लिए एक डिज़ाइनर बॉक्स यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर आप अपना टीवी जो है वो रख सकते हैं। तो आप ऐसे ही अगर यहाँ पे आप क्रॉकरी सेट वाला डिज़ाइन जो होता है वो रखना चाहते हैं तो वो भी इजीली यहाँ पर आ सकता है। तो स्पेस हमारे पास बहुत अच्छी है। और ठीक बिल्कुल इस तरफ जो हमारी किचन शुरू हो जाती है, आपका किचन का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपकी किचन जो है वो थोड़ी सी कवर्ड रहे, कि अगर हमारा कोई गेस्ट है वो ड्राइंग एरिया में आता है तो वहाँ से सीधा कुछ ऐसे सामने ना रहे, थोड़ी सी चीज़ें हिडन रहे। और जैसे हम किचन की बात करते हैं तो यार वाह क्या स्पेस है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी खुली डुली सी स्पेस है यहाँ पर किचन के अंदर। और किचन में जो हमारा ऊपर सीलिंग डिज़ाइन है वो भी पूरा मिलता है हमें। और यार 12x7 की हमारी किचन आ जाती है। 12x7 का मतलब होता है एक बेडरूम का साइज आपको पूरा मिल जाता है तकरीबन। ग्रेनाइट की हमारी शेल्फ रहेगी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बिल्कुल डार्क या ब्लैक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि यार ब्लैक जो ग्रेनाइट है उनको नहीं पसंद आता, तो हल्का सा यहाँ पर कलर चेंज किया गया है। आपकी जो वॉल्स पे टाइल यहाँ पर लगी हैं बिल्कुल अच्छी मैच्योर है, कलर अच्छे हैं। जितनी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलने वाली हैं वो सारी ब्रांड के साथ मिलने वाली हैं। आपके सेंचुरी प्लाईवुड के साथ आपको जो यहाँ पर सारे कैबिनेट्स आपको मिलेंगे, डबल लैमिनेशन है अंदर बाहर से, और देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो कैबिनेट्स अगर बड़े हों तो उसका मतलब ये होता है कि आप जितनी चीज़ें यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो रखिए, स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, आपकी कोई जो स्टोरेज है वो कभी कम नहीं होगी। ड्राइव रट कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है, इजीली आप यहाँ पर रखें। और डबल सिंक हमें यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो है हमारे पास प्रॉपर आपको जो है सारे रैक्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। और दोस्तों बता दो, जो हमारी किचन है वो पूरी जर्मन क्वालिटी की है, निक्सो की, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी बड़े बड़े रैक्स और काफ़ी हैवी। और दोस्तों बता दो, यहाँ पर आपको अभी जो है एक चिमनी जो कि काफ़ी अच्छे मॉडल की रहेगी, और प्लस एक आरओ वो आपको लगा यहाँ पर मिल जाएगा। तो किचन में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो चीज़ होगी वो पूरी प्रॉपर मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी सी अलमीरा साइज़ हमें मिल जाती है जहाँ पर आपका मैक्सिमम सामान ऐसे ही आ जाता है। और यार बता दूँ कि 1,550 स्क्वेयर फीट का अपार्टमेंट है, अगर आपको इसकी प्राइसिंग देखनी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और बिलीव मी, जैसे आप प्राइसिंग देखोगे आप अमेज, वाकई बजट के अंदर इतनी सारी चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ खास और मिल जाती है जो कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि ज़रूरी होनी चाहिए, हमारा कॉमन वॉशरूम। जी हाँ, अगर हमें नहीं पसंद कि हमारा गेस्ट है कि हमारे घर के अंदर या हमारे बेडरूम के अंदर जाए, तो आप सीधा कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पर पूरा मिलता है, और काफ़ी अच्छा साइज़ है, बड़ा सा साइज़ है। और दोस्तों बता दूँ आपको, सेम वॉशरूम जो हमारे एक दूसरे उसके जगह पर रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी जितनी भी फिटिंग्स लगेंगी ब्रांडेड रहेंगी, जैगवार की सारी फिटिंग रहेंगी। इसके अंदर आपको एक ग्लास पार्टीशन मिल जाएगी, टफन ग्लास, और हाइट जो है आपकी टाइल्स की वो सीलिंग की हाइट तक है।
काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि कोई चीज़ कम रह गई, ज़्यादा रह गई या कुछ और। और दोस्तों इस तरफ आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, एक शाही सा अंदाज और एक खूबसूरत सा बेडरूम। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन इसका किया गया है, उसके साथ आपको यहाँ पर जो है नीचे साइज़ इसका जो होगा आपका वो 14x12 का मिल जाएगा। 14x12 का मतलब हो जाता है खुला डुला एरिया, आपने 6x6 का बेड लगा लिया, उसके बाद आप जो रखना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं वो आप लगाइए दिल खोल के। देखिए बेड की बैक पे आपको एक प्यारा सा वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ है, और ठीक इस तरफ जो है आपकी अलमीराज आ गई हैं, सारी की सारी डबल डोर रहेंगी, डबल लेमिनेशन रहेंगी और प्रॉपर स्पेस के साथ रहेंगी। नीचे शू रैक मिल जाता है आपको, अंदर स्पेस आपको पूरी मिल जाती है, तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। स्टोरेज यहाँ पूरी मिलेगी और हर जगह ठीक। बेड के सामने आप मेरा जो है डिज़ाइनर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि एक अलग ही लुक है, सामने देख कर नज़र आता है, समझ आती है चीज़। और दोस्तों बता दूँ यहाँ पर जो हमारे विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की हैं यार, सारी की सारी विंडोज़ जो आपकी रहेंगी टफन रहेंगी और प्लस ये UPVC रहेंगी, तो यहाँ पर कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ग्रिल लगी है या नहीं लगी है, कोई ये चीज़ें होती है ऐसे ख़राब नहीं होती। वैसे भी आप गेटेड सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हो तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी बड़ी सी विंडो है यार, देखकर अच्छा लगता है सीधी ऊपर से यहाँ तक। बड़ी बड़ी विंडो होती हैं तो यार लाइट, नेचुरल लाइट सारा दिन आपके घर के अंदर आती है। और दोस्तों इस मास्टर बेडरूम के साथ हमारे पास हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा, यार यहाँ पे भी आपका जो है सैनिटरी अभी फिटिंग होनी बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से आपको इसकी वीडियो दिखाई जाए। कि अच्छा साइज़ है, 8x6.5 का साइज़ अगर हमें वॉशरूम के अंदर मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर भी आपकी ग्लास पार्टीशन रहेगी, प्लस आपके जो है जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी, और फिटिंग्स नॉर्मल नहीं रहेंगी, यहाँ पर आपका जो सिंक होगा वो एक उसके ऊपर रहेगा, एक डिज़ाइनर सिंक हमें मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, सेकंड बेडरूम की तरफ इस घर के। और दोस्तों जितने भी वॉल सॉरी हमारी चौगाट रहेंगी वो तो उस कपूर साल की हैं, और साथ में अराउंड आपके जो 8-8 फीट की रहेंगी, तो 8 फीट का मतलब होता है कि अच्छा शाही सा अंदाज हमें हर घर के अंदर या हर रूम के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम भी पहले की तरह ही पूरा खुला डुला सा है, काफ़ी अच्छी स्पेस है हमें यहाँ पर। सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है हमें, एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर भी। वार्डरोब्स हमें पूरी मिलेंगे यहाँ पर भी, 12x12 का हमारा ये बेडरूम रहेगा, काफ़ी अच्छी स्पेस है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर हमें दिखती है इस बेडरूम के साथ वो है यहाँ की विंडो। जी हाँ यार, पूरी वॉल की विंडो है, क्या बात है, देखते ही मज़ा आता है। आपको बाहर से दिखाता हूँ यार, एक तो ना वैसे बड़े बड़े से दरवाजे होते हैं ना, या बड़ी सी विंडो होती है, तो वहाँ से नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है यार, क्योंकि टफन यह है, ये UPVC है, तो यहाँ बिल्कुल साउंडलेस हो जाते हैं। अराउंड 90% तक की जो होती है साउंड कैंसलेशन की कैपेबिलिटी होती है इनकी, तो आपके घर के अंदर जो होता है बाहर कोई भी आवाज़ चल रही तो अंदर नहीं आती, वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। प्लस बड़ी बड़ी होती हैं तो सारा दिन घर के अंदर लाइट रहती है। और दोस्तों देखिए आप, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि छोटी सी जगह है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है, ईजिली आपकी वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों यहाँ पर हो सकती हैं यार। जैसे बोलते हैं ना हमारे घर के अंदर छोटा सा वरांडा होता है, बेड़ा होता है यार, वो वाली चीज़ यहाँ पर पूरी हमें मिल जाती है, एक अच्छी स्पेस है यहाँ पर हमारे पास। और एक चीज़ और बड़ी अच्छी खास यहाँ पर की गई है, आपके ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके दोनों वॉशरूम्स के, दोस्तों ये आपके जो हो गए 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम यहाँ पर आएंगे, और दोनों वॉशरूम के जो गीज़र्स होंगे आपके यहाँ पर लगेंगे, आप अंदर से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बाहर उसका कर दिया गया है, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ रही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हर चीज़ का। दोस्तों बढ़ चलते हैं वापस अंदर की तरफ।
दोस्तों जैसे नीचे यहाँ पर टाइल्स आपकी लगी हुई हैं 4x2 की, तो हमारे पास एक नया अलग भी हमने रखी हुई टाइल्स जो कि कुछ लुक उसकी जो है अराउंड इटालियन मार्बल की जैसी हैं। तो आपको हो सकता है कि किसी रूम में कुछ कलर अलग अलग नजर आए लेकिन क्वालिटी के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि बिल्कुल सामने की तरफ है और फ्रंट बालकनी की तरफ है। आपके जो जितने भी रूम्स हैं वो सारे आपके बालकनी के साथ अटैच है, तो मतलब कि जो लाइट और वेंटिलेशन है वो हर रूम के अंदर प्रॉपर रहेगी। तो दोस्तों ये वाला जो बेडरूम है ये हमारा 12x10 का रहता है, तो काफी अच्छा साइज है। यहां पर भी इजीली यहाँ पर मूवमेंट्स करना तो इजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी यहाँ से वहाँ कभी जाना भी हो कैसे भी हो। और दोस्तों यहाँ भी आपको मैं दिखा दूँ जो हमारे पास वार्डरोब्स हैं वो यहाँ पर भी बहुत अच्छी हैं और एक अलग डिज़ाइन है यार यहाँ पे वार्डरोब्स का। वाओ क्या बात है, आपने हैंडल को खींचा और सारी की सारी वार्डरोब यहाँ से खुल गई, पूरी की पूरी वार्डरोब यहीं पर आ जाती है आपकी, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर भी जो हमें विंडो मिलने वाली है वो पूरी रहेगी एक अच्छे साइज के साथ, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी बालकनी है वो भी काफ़ी अच्छे साइज की है यार, पूरी 18 फीट की बालकनी है, 4 फीट की या भाई 18 फीट की। यूजली हमें जो 3-3 फीट की बालकनी मिलती है उससे ज़्यादा जो कैंटिलीवर होता है करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि होता है क्या है कि आपका कॉन्क्रीट ज़्यादा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर एक फुट और बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि खर्चा चाहे बढ़ाया हो लेकिन आपकी कुर्सियाँ यहाँ लग सकती हैं, आप चेयर्स यहाँ पर लगा कर आराम से इन्जॉय कर सकते हैं। और सामने की तरफ जो बिल्कुल आयरन दिया गया यार, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं है आयरन है, एक अच्छी चीज़ है। और बता दूँ आपको जो आयरन अंदर आपके जो लेंटर के जो सरिये होते हैं उसके साथ कनेक्टेड है, सो दैट कि आपकी जो चीज़ है वो लाइफ लॉन्ग है और हैवी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है। प्लस ये जो खाली स्पेस आपको यहाँ नज़र आ रही है यहाँ पर ग्लासेस आपके नज़र आ जाएंगे आपको जो कि टफन ग्लास रहेंगे, तो जो चीज़ हमें मिलती है वो पूरी प्रॉपर मिलती है। सिर्फ वो वाले फ्लैट्स नहीं हैं, वो वाले अपार्टमेंट्स नहीं हैं जहाँ पर सिर्फ रूम है उसके बाद और कुछ नहीं हम कर सकते। यहाँ पर स्पेस का मतलब ये है कि आप कुछ भी रखिए कुछ भी लगाइए जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे रहिए यार, सालों साल आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई घर लिया था जहाँ पर स्पेस थोड़ी कम थी। ये वो चीज़ें हैं। अब सामने आपकी विंडो है जो हम अंदर से बात कर रहे थे पूरे साइज़ की है, तो यार ये वो चीज़ें होती है जहाँ पर समझ आता है कि यार वाओ दिल खुश हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK अपार्टमेंट जो कि 1550 स्क्वायर फीट के अंदर है और ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन के अंदर है, आपको बहुत जल्दी यहाँ पर पोजेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल बजट के अंदर है। उम्मीद है वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो को और दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूं, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।